तो कैसे आप सभी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अभी तक हमने मुद्रा के ऊपर लगभग 5 वीडियो बना ली थी। अगर आपने वो 5 वीडियो नहीं देखे तो हर पार्ट का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज जो हम इस समय ये वीडियो लेके आए हैं, फिर से आज ही के दिन में दूसरी वीडियो है, वो है आपका रीजनिंग बेस पे। तो आइए थोड़ा मुद्रा के ऊपर जो रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं फाइनल एग्जाम्स में वो कैसे हो सकते हैं, आइए वो हम देखते हैं। तो कॉपी पेन ले लीजिए, इसको भी नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। आप सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं अगले 2-3 सालों तक। तो अगर हम बात करें पहले मुद्रा से हट के थोड़ा सा जीडीपी के ऊपर, तो जीडीपी के ऊपर 3-4 क्वेश्चन है वो देख लीजिए। बाकी सभी आपके क्वेश्चन मुद्रा पे हैं और स्टॉक एक्सचेंज पे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो आइए अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें अपने, तो सन 1950 और 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना रहा। देखिए सन 1950 और 51 में भारत के सकल घरेलू, जिसे क्या कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, जीडीपी का रेशियो पता किया जाता है आपका, उसमें कृषि का या कृषि से संबंधित, ठीक है, जो कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं उन सभी का योगदान कितना रहा। तो वो लगभग रहा आपका 52.2%, 52.2%, ठीक है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो भारत में रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है। ये सुनने में ऐसा लगेगा कि 7th 8th का क्वेश्चन है, पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप बीएड के एंट्रेंस एग्जाम देते हो या कोई सिविल सर्विस के एंट्रेंस एग्जाम देते हो, तो वहां पे आपको यही क्वेश्चन आते हैं जिनको आप छोड़ देते हो। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है, भारत में रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है। तो वो कौन सा टाइम पीरियड होता है आपका, अक्टूबर, आंसर है नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है आपकी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो अब बात करते हैं रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं, रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं। तो रबी की फसलों में आपका गेहूं, जौ, चना मटर, सरसों व आलू आदि कई ऐसी फसलें हैं जो आपकी रबी की फसलें में आती हैं, ठीक है। तो जो फसलें होती है वो दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी फसलें होती है, एक रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है। तो बात करते हैं खरीफ की फसल, जो खरीफ की फसल है उसकी बुआई का टाइम क्या होता है। तो खरीफ की फसल का जो है जून और जुलाई का टाइम पीरियड होता है बुआई के लिए, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है, ये सभी आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इनको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो खरीफ की फसलों में कौन सी फसलों की बुआई की जाती है आपकी, तो खरीफ की फसलों में आपका ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर आदि कई प्रकार की ऐसी फसलें हैं जिनकी खरीफ की फसलों के समय में बुआई की जाती है। कब की जाती है, जून और जुलाई में, ठीक है। सकल घरेलू जीडीपी में कृषि संबंध एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र का योगदान या उनका हिस्सा कितना है, ठीक है। वहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमने एक लिमिटेड टाइम की बात की थी, और आज हम पूरे जीडीपी के अंदर जो कृषि है और कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं उसका टोटल कितना आउटपुट है जीडीपी के अंदर, तो वो आपका आंसर कितना है, 13.67%, 13.67%, ठीक है। और ये कंटिन्यू चेंज होता रहता है, जैसे कि अभी लॉकडाउन में जब आपकी जीडीपी माइनस में थी तब आपका एक कृषि का, एग्रीकल्चर का सेक्टर ऐसा था जो +3% के इम्प्रूवमेंट में था, ठीक है। क्यों, रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उस टाइम जो प्रवासी मजदूर जो ग्राम की तरफ, अपने गांवों की तरफ वापस आ चुके थे, घर आके उन्होंने अपने खेतों में या बगल के खेतों में, जिसे क्या कहते हैं आप लीज पर भी कह सकते हैं, किराए पर लेते हैं, हांडे पर लेते हैं, या फिर आप क्या करते हैं बटाई के रूप में ले लेते हैं, तो उन्होंने लेकर काम करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन जो आउटपुट की थी कृषि की वो बढ़ गई थी, तो इसलिए वो 3% के प्लस में आया था, और जबकि पूरे देश, पूरे विश्व का लगभग जीडीपी माइनस में जा रहा था। ये 2019 और 20 की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं मुद्रा के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो मुद्रा के ऊपर जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आ रहा है वो है ये, नोट डाउन कीजिए, रुपए का प्रथम अवमूल्यन कब हुआ। देखिए प्रथम अवमूल्यन, ठीक है, अवमूल्यन से हमारा अभिप्राय है डिवेल्युएशन, ठीक है, जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, ठीक। तो सरकार क्या करती है,
अवमूल्यन डिवैल्यूएशन भी कर देती है मुद्रा का, और आज तक लगभग 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया गया है। पहली बार कब हुआ था अवमूल्यन भारत में, तो पहली बार आपका 26 सितंबर 1949 को हुआ था, 26 सितंबर 1949 को फर्स्ट टाइम हुआ था। दूसरी बार जो मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था वो कब हुआ था, 6 जून 1966, 6 जून 1966, ठीक। थर्ड, जब तीसरी बार अवमूल्यन कब किया गया था, 1 जुलाई 1991, 1 जुलाई 1991 को मुद्रा का तीसरी बार अवमूल्यन किया गया था। देखिए अवमूल्यन किया क्यों जाता है, जब कोई देश, ठीक है, एक विकसित देश हो रहा होता है या विकासशील देश हो रहा होता है, ठीक, तो उसके सामने कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं, ठीक है। जब कोई देश विकासशील के रास्ते पे होता है तो वो यही सोचता है कि मेरे देश में विदेशी कंपनियां आके अपना निवेश करें। यदि आपके देश की मुद्रा बहुत ही हाई मूल्य पे होगी, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो बाकी देशों को प्रॉफिट कम होगा, इसलिए वो क्या करेंगे, आपके यहाँ पे निवेश नहीं करेंगे। तो दूसरे देशों को या विदेशों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए देश को क्या करता है, क्या करना पड़ता है, आपको डीवैल्यूएशन कर देना पड़ता है, आपको मुद्रा की वैल्यू कम कर देंगे तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग होगी। तो अभी तक भारत में लगभग 3 बार आपका डीवैल्यूएशन कर दिया गया है। तो आइए जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। देखिए अब मूल्य में क्या है, वृद्धि हो रही है, अभी तक डीवैल्यूएशन किया जा रहा था, ठीक, तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है, ठीक। किस स्थिति में क्या होता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं और सेवाएं, जो हम वस्तु या सेवा खरीदते हैं उसमें गिरावट आ जाती है, तो ऐसा एक टाइम कौन सा होता है, मुद्रा संकुचन या अपस्फीति, जिसे क्या कहते हैं, करेंसी कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं या मनी डिफ्लेशन कहते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, जब बाजार में किसी कारणवश, जब बाजार में किसी कारणवश मुद्रा की संख्या कम हो जाती है, लोग अपनी जमा पूंजी जमा करके रखते हैं, बैंकों में रखते हैं, कोई अपना पैसा निकालना नहीं चाहता, तो जब मार्केट में पैसे की क्वांटिटी कम हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिक देखिए अनाज है वो सड़ने लगेगा, ठीक, सब्जियां खराब होने लगेंगी, जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो क्या है, उसको कम दामों में भी लोग बेचना स्टार्ट करते हैं ताकि लोग अपने जेब से पैसा निकालें, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जब ऐसी स्थिति आती है, जब बाजार में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जहां पे मुद्रा की संख्या खत्म होने लगती है, वहां पे क्या है, वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा, जो मूल्य होता है वो गिरने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पे स्थित है। तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस आपका नासिक रोड महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और स्पेशल भी, क्योंकि 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के बैंक नोटों को कहाँ पे छापा जाता है। तो बिल्कुल इन सभी नोटों को करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में ही छापा जाता है, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स कब शुरू किया गया, अभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर से समझ लीजिए। देखिए जो सेंसेक्स है, स्टॉक एक्सचेंज है, ये सभी आपका देश में जीडीपी में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए आपको इनके बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर देते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स कब शुरू किया गया, तो ये आपका 1986 और 87 के सेशन पीरियड में शुरू किया गया था, ठीक है। जो इसका वार्षिक दौर था वो कौन सा था, 1986 और 87, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कितने शेयरों के मूल्य पर आधारित है। देखिए यहाँ पे एक इनका ग्रुप था शेयर का, वो उसमें उस ग्रुप में टोटल कितने शेयर थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, लगभग 30 ऐसे दिग्गज शेयर थे जिनको कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शामिल किया गया था। अब देखिए ये जो 30 शेयर्स थे ये क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते थे, क्योंकि इनकी लिस्ट में पेंडिंग में भी 20 50 100 शेयर्स रहते थे जो अपना रेपुटेशन कंटिन्यू इंप्रूव कर रहे थे, ठीक, या जो लॉस की तरफ जा रहे थे उनको 30 में से बाहर कर दिया जा रहा था, आउट कर दिया जा रहा था, और जो नए शेयर इंप्रूवमेंट दिखा रहे थे उनको इंक्लूड कर दिया जा रहा था। मतलब कि इसमें टोटल 30
शेयर्स का ही एक ग्रुप होता था, ग्रुप चेन कह सकते हैं, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आता था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको क्या कहते हैं, सेबी कहते हैं, की स्थापना कब की गई थी? देखिए सेबी, SEBI, सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपना रुख करते हैं कि सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा कब प्राप्त हुआ, या कब उसको संवैधानिक का दर्जा मिला सेबी को? तो ये आपको याद होगा, अभी एक पीछे वेब सीरीज आई थी आपकी, स्कैम 1992, ठीक है। तो स्कैम 1992 सभी को याद है कि उसमें एक हर्षद मेहता थे, उन्होंने एक स्कैम किया था इंडिया में, ठीक है। तो उसी समय देश को ऐसा लगा, देश की सरकार को ऐसा लगा कि शायद एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी नज़र बनाए रखे, ठीक है। तभी क्या है, इसको संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो गया। क्या था कि पहले ये किसी भी ऐसे मामले में अपना हस्तक्षेप करने में असक्षम थी, या इस तरह की कोई अधिकार नहीं था कि ये किसी भी मामले में हस्तक्षेप अपना डायरेक्टली कर सकता था। परंतु स्कैम 1992 के बाद क्या हुआ कि इनको एक संवैधानिक दर्जा मिल गया कि आप अपनी नज़र, आप अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो भी बना सकते हैं, और तमाम ऐसी प्रक्रियाएं थी जहां पर कि सरकार का सेबी के ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं था, ठीक है। तो आइए हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर देश में कब शुरू किया गया? नेशनल का मतलब एन, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ई, फंड्स का मतलब एफ, ट्रांसफर का मतलब टी, ठीक। तो NEFT, नेफ्ट कहते हैं जिसे आज के टाइम में, ठीक है, जो कि आप बैंकों में जाते हो, जब भी अपने अकाउंट से किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आप एक विकल्प लेते हो जिसे नेफ्ट कहते हैं। आप किसी भी बैंक में, अपने बैंक, मान लीजिए आपका SBI का बैंक है, ठीक है, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में भी पैसा भेजना है, तो कोई इसमें तकलीफ नहीं आती, कोई इसमें दिक्कतदारी नहीं होती, आप अपने बैंक से किसी भी बैंक में अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इसके लिए बहुत ही कम चार्जेस लगते हैं, जैसे कि 3 लाख से लेकर 5 लाख तक कर रहे हो तो आपको सिर्फ 10 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे। 3 लाख से कम की अमाउंट है तो शायद अभी लगभग, ये कोरोना काल में मैंने देखा है, शायद ये फ्री चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा विकल्प आपको मिल जाता है, और दूसरा आपके पास एक रिकॉर्ड भी रहता है। तो आइए अगला हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहला नाम क्या था? बॉम्बे, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज का पहला नाम क्या था, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज का पहला नाम क्या था? द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, ठीक है। तो ये क्या था, स्टॉक ऑफ एक्सचेंज का पहले का नाम था। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट लगे हों और आपने लिखा भी हो। तो